क्या आपको लगता है दोस्तों कि शेयर बाजार में जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन बायर जो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, या आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमा सकता है? तो आज दोस्तों हम एक एक करके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि ऑप्शन सेलर कितना पैसा कमाता है और ऑप्शन बायर कितना पैसा कमाता है। और ये भी देखेंगे साथ में कि अगर कोई गलत होता है, मान लीजिए मैंने ऑप्शन बाई कर रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाजार में तेज़ी होगी, बाजार ऊपर जाने वाला है, ठीक है, मैंने ऑप्शन बाई कर रखा था, और अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है तो मुझे कितना नुकसान होगा, और यदि मैंने ऑप्शन सेल, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, तो मुझे मैंने क्या किया होगा दोस्तों, पुट सेल किए होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि तेज़ी होगी, अगर मैं वहाँ पर गलत हो जाता हूँ तो मेरी सिचुएशन क्या होगी, कितना लॉस होगा, सारी चीज़ें इस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही भयंकर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा हमारे पेज पे। दोस्तों हम आ गए हमारे ट्रेडिंग वाले टर्मिनल पे। अब दोस्तों बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, जिसे आपको पता होगा फिर भी मैं रिविजन पर्पज़ के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए जब आप थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं कंप्यूटर की तो चीज़ें और समझाने में आसानी होगी, ठीक है, ये खुल गया दोस्तों। अब आपको इतना तो पता है दोस्तों कि जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, ठीक है, दो डायरेक्शन में जाता है बाजार, और कभी कभी एक तीसरी डायरेक्शन बन जाती है जो कि होती है कुछ इस तरह की, यानी कि बाजार यहाँ से यहाँ जा रहा है और बाजार यहाँ से यहाँ जा रहा है, जिसको साइड वे बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो होगा डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया है मार्केट का जो डायरेक्शन है वो है अप, ठीक है। और अप में क्या करते हैं, यदि आप बायर हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉल को बाय कर लेंगे, अगर आप कॉल बायर हैं, और अगर आप कॉल सेलर हैं, कॉल राइटर हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉल को सेल नहीं करेंगे, आप जो है पुट को सेल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ठीक उल्टा होगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप पुट को क्या करेंगे, बाय कर देंगे, और यदि आप कॉल राइटर हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे, ठीक है। अब इसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, ये जानने के लिए आपको क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कभी भी लाइफ में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन कितना पैसा कमाता है या कौन कितना पैसा आपको देने वाला है, ठीक है। यदि आपके दिमाग में ये गलती है कि बायर जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, या सेलर जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, सारे मिथ आपके आज इस वीडियो में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हमको क्या देखना पड़ता है इसमें कि ट्रेंड क्या रहेगा, ठीक है, हमने ट्रेंड देख लिया। अब ट्रेंड देखने के बाद हमें साथ में देखने क्या है, वोलाटिलिटी, ठीक है। अब ये वोलाटिलिटी क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए एक विक्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वोलाटिलिटी का मतलब ये होता है जैसे तेज़ी से ऊपर जाएगा तो कितने तेज या कितनी फास्ट ऊपर जाएगा। यदि शेयर या इंडेक्स या बैंक निफ्टी की आज स्पेशली हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी यदि ऊपर जाएगा तो कितने तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जो कॉल की या पुट की जो कीमत है वो कितनी तेज़ी से ऊपर या नीचे होगी, वोलाटिलिटी से आपको ये पता चल जाता है, ठीक है। तो आपने दो चीज़ देख ली, पहला देख लिया ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, तो ट्रेंड दोस्तों बेसिकली क्या हो सकता है, ट्रेंड हो सकता है अप, ठीक है, ट्रेंड हो सकता है डाउन, या ट्रेंड हो सकता है साइडवेज, ठीक है, तीन तरीके ट्रेंड होते हैं दोस्तों। और वोलाटिलिटी दो तरीके की होती है, तो लो वोलाटाइल हो सकता है और एक हो सकता है हाई वोलाटिलिटी। अब यहाँ पर वोलाटिलिटी भी मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ट्रेंड आपको पता चल गया है। अब तो हमें क्या देखना रहता है कि हम क्या बने, मान लीजिए हमको बनना है, ठीक है, क्या बनना है, ये ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर बनना है और बायर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों जो ऑप्शन बायर को अलग करती है और ऑप्शन सेलर को अलग करती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमारी जो कैपिटल साइज रहता है, ये कैपिटल साइज मान लीजिए अगर आप सेलर बनने जा रहे हैं या राइटर बनने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम दोस्तों मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं पिछले 10 से 12 सालों से चीज़ें देख रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करता हूँ, और दूसरे ऑप्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी में लॉन्च हुआ है, तब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑन एन एवरेज जो होता है 5 लाख रुपये, ठीक है, 5 लाख रुपये आपको चाहिए अगर आप सेलर बनना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलर की थोड़ी स्पेशली इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, क्या बनना चाह रहे हैं ऑप्शन
सेलर अगर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको वन एन एवरेज 5 लाख रुपए की जरूरत लगती है। वहीं दोस्तों हम देखते हैं अगले केस में, यदि आप ऑप्शन बायर बन जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर अगर बन जाते हैं तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। और जैसे पहले आपको बताया कि जो लोड साइज था वो 40 का था, और जो लोड साइज है वो 20 का होगा, 20 × OPDIO ऑप्शन प्राइस। अब आपको जो यहाँ से जो इक्विवेलेंट करके जो आता है कैलकुलेशन, बस इतना सा आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अब यानी कि इसमें बात यह है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन की प्राइस है वो मान लीजिए 100 रुपीज़ चल रही है, तो आपको ओवरऑल कैपिटल और लोड के लिए कितना लगेगा, वो लगेगा दोस्तों आपको 2000 रुपये। ठीक है, वहीं हम देखते हैं अगर सेलर होता है, ठीक है, और वही जो 100 रुपये का ऑप्शन है वो बेचना चाहता तो उसको कितना पैसा चाहिए, हम देखते हैं इस स्लाइड। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कैलकुलेटर पे, मार्जिन कैलकुलेटर पे, यह है जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर। दोस्तों यहाँ मैं जीरोधा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो और किसी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो NSE की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं, आपका जहाँ भी अकाउंट है, मान लीजिए आपका आप स्टॉक में, फायर में, या कहीं भी है XYZ में, कार्वी को छोड़ के, क्योंकि कार्वी का तो दोस्तों अकाउंट या कंपनी ही मुझे लग रही है अब घाटे में है या संकट में है, तो दोस्तों वो मैटर अलग है, उसके बाद हम बात में करेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ विंडो मार्जिन कैलकुलेटर पे, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन, यहाँ पर हमने इस एक्सपायरी का देख लिया है, ठीक है। अब हमको जो मिला है यहाँ पर 26 दिसंबर का मिला है, क्योंकि दोस्तों ये जो है यहाँ पर आपको मंथली ही दिखाएगा, तो 26 दिसंबर को अब यहाँ पर देख लिए कॉल बेचना है या पुट बेचना। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में मंदी होने वाली है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉल बेच दूंगा। अब स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा सिलेक्ट करनी, अब देखिए दोस्तों अभी चल रहा है 31,160 रुपये, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर की जो आउट ऑफ द मनी रहेगी, ठीक है, OTM जिसको बोलते हैं, उसी को बेचेंगे। अब ऐसा तो है नहीं हम 30,000 की बेच देंगे या मैंने 31,000 की बेच देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लग जाएगा, तो हम बेचेंगे 31,300, 31,400, 31,500 की, ठीक है। अब अगर आपको लगता है ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, डाउन ट्रेंड है, तो आप 31,200 की भी बेच सकते हैं, तो अभी हम इसमें ट्राई करेंगे 31,200 की, ठीक है, 31,200 की। यहाँ पर लार्ज साइज पूछ रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ पर सेल करना, क्योंकि बाइक जो करेंगे वो तो हमें पता ही रहेगा दोस्तों बाइक कितना में होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों जो मेन डिफरेंस होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार सेलर से पैसा करना था, अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर तो ये मैंने बाया का लगा लिया। अब यहाँ देखिए इनिशियल मार्जिन आपको कितना चाहिए, 59,000 रुपये, यानी मोटा मोटी आपको 60,000 रुपये चाहिए। एक्सपोजर वो होता है दोस्तों जो कीमत में ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसको एडजस्टमेंट के लिए आपको बार बार दलाल फोन ना लगाए उसके लिए ये पैसा लगा रहता है, यानी कि आपको एक लॉट का 60,000 रुपये तो ब्रोकर के पास जमा कराना पड़ेगा, प्लस आपको 25,000 से 26,000 रुपये उसके पास एक्सपोजर रखने पड़ेंगे, ताकि दिन में होने वाले उतार चढ़ाव को वो इस पैसे में से एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब टोटल आपको कितना दिख रहा है दोस्तों, मोटा मोटी 85,850, यानी कि 86,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं वापस हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन में। अब ऑप्शन सेलर 5 लाख रुपये है उसको, अब हमने देख लिया है कि एक लॉट में उसको लगभग 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है उसके जीवन में दोस्तों, कितने लॉट हो, मैक्स टू मैक्स वो 5 लॉट बेच सकता है, सेल कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। अब बायर क्या कर सकता है, अब मान लीजिए दोस्तों 31,200 का हमने ये खीरा, ठीक है, अब इसकी हम कीमत देख लेते हैं, इसकी कीमत हमें क्या मिल रही है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, 31,200 टाइप कर देना, को कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक 7 फिर उठा लेगा। हम चल रहे हैं दोस्तों दिसंबर वाले में, तो ये 26 दिसंबर का कॉल था, ठीक दोस्तों, क्योंकि हमने करना थी मंदी तो हमने उठा लिया कॉल। कॉल को देखिए दोस्तों 450 रुपये प्राइस चल रही है। अब मैं आपको कुछ आसान बातें बता दूँ, ताकि आपके दिमाग में जो अब तक के जो उल्टे सीधे सवाल हैं उनका एकदम स्पष्टीकरण हो जाए। 460 रुपये हो रहा है, ठीक है, आप पकड़े प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो ये मोटा मोटी हो जाता है कितना, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल हमारा पैसा है वो कितना यहाँ पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा है ये बनेगा 9,200। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है, एक जगह आपको 1 लाख रुपये चाहिए एक लॉट को सेल करने के लिए, ठीक है, तो दूसरी जगह वही काम आपका 10,000 रुपये के भी अंदर हो रहा है, यानी कि 9,200 रुपये में। तो आप अंतर समझ लीजिए, अगर सेलर पैसा कमाता है, ठीक है, तो वो लगा भी आपसे 10 टाइम ज़्यादा रहा है, या बायर से 10 गुना ज़्यादा लगा रहा है। अब हम ये चीज़ें आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर
देखिए हमने पहले सेल का लिया था, अब हम बाय का करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम, हम इसको रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि मुझे कुछ पहले ऐसा होता था यहाँ पर कि सारी चीज़ें एक साथ जुड़ के आ जाती थी। इसको हम रीसेट कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया है रीसेट, यानी होम आए, ऑप्शन में आए, यहाँ हमने लिखा बैंक निफ्टी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बैंक निफ्टी, और ये आ गया 26 दिसंबर वाला। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हमने वापस 31,200 की ले ली, अब हम कर रहे हैं बाय। अभी दोस्तों अब बाय की कीमत नहीं दिखा रहा है क्योंकि मार्केट अभी बंद है, या और कुछ रीज़न हो सकता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में चल रहा है कुछ। और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर ही लिया है, 460 × 20 करेंगे तो जो कीमत आएगी वो आएगी 909,200 रुपये। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों कि कौन कितना पैसा लगा रहा। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ मैं बता देता हूँ, एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल दोस्तों ये कैलकुलेट होता है हमेशा परसेंटेज में। अब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लगा लूँ और 20,000 रुपये या 30,000 रुपये कमा लूँ, तो आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल की जो आपकी उम्मीद है वो है करीबन 200% या 300%। जबकि जो सेलर होता है दोस्तों, ठीक है, सेलर होता है वो रोज के 2% या हर वीक के 2% से लगाता है, मोटा मोटी 5 से 6% तक की उसकी उम्मीद रहती है। अब दोस्तों समझ सकते होंगे कौन ज़्यादा जीत में रहता होगा या कौन ज़्यादा हार में रहता होगा। वो आदमी जो कम उम्मीद लेके बैठा है बाजार में या कम पैसा कमाना चाहता है उसकी कैपिटल पे, वो ज़्यादा सक्सेस होगा, या आप और हमारे जैसे जो 10,000 रुपये लगा कर 20,000 या 30,000 रुपये कमाने बैठे हैं या कमाने की सोचते हैं। तो यहाँ पर तो आपको मैंने दोस्तों ये बता दिया कौन कितना कमाता है और कितना पैसा इसमें लगता है। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं दोस्तों, रिस्क किस में कितनी होती है। तो हम बेसिकली एक नया स्लाइड खोल लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको सेव नहीं किया। अब हमने पहले देख लेते हैं हम बायर के प्लस पॉइंट क्या रहेंगे। ठीक है, बायर के प्लस पॉइंट क्या रहेंगे। अब बायर में दोस्तों प्लस पॉइंट देखो क्या है कि जो पैसा लगा रहता है, लेस कैपिटल चाहिए इसमें। ठीक है, लेस कैपिटल चाहिए, और जो रिस्क होता है वो कितना रहता है, लिमिटेड रहता है। ठीक है, रिस्क लिमिटेड हो गया। अब और क्या क्या हो सकता है दोस्तों, मुझे तो इसमें दो ही फायदे लगते हैं कि एक तो पैसा आपका कम लग रहा है और रिस्क भी आपकी लिमिटेड है। अब रिस्क लिमिटेड से मतलब क्या है दोस्तों, जो आपने प्रीमियम पे करी है, ठीक है, अब जो आपने प्रीमियम पे करी है वही आपकी रिस्क है टोटल, उससे ज़्यादा आपकी कोई रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपकी प्रीमियम जीरो हो जाएगी और फिर कोई बाद में आपसे पैसा लेने आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों जो ऑप्शन सेलर है उसका क्या क्या होने वाला, ऑप्शन सेलर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब इसके थोड़े से प्लस पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम दोनों के नेगेटिव जो माइनस पॉइंट होंगे वो देखेंगे। तो इनके लिए पॉइंट क्या रहता है दोस्तों, इनके लिए जो पहला पॉइंट रहता है वो रहता है टाइम डिके। दोस्तों मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई सा ऑप्शन खरीद लिया, अब बेचने वाले ने 100 में बेच दिया। मान लीजिए बैंक निफ्टी था 31,150 से रहा था, 31,200 यानी 50 पॉइंट की रेंज में चल रहा था। तो अब ऑप्शन 50 पॉइंट के रेंज में जब भी चलेगा आपके ऑप्शन में, या तो 50 पॉइंट ऊपर चले जाए या 50 पॉइंट नीचे चले जाए बैंक निफ्टी का स्पॉट या फ्यूचर, आपके जो ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें 50 पॉइंट का अंतर नहीं आएगा। और वो टाइम के हिसाब से, या तो आप गुरुवार को देखिएगा, अगर आपने अब तक नहीं देखा और देखा हो तो आपको पता ही है दोस्तों गुरुवार में 12 बजे बाद जो कीमतों में लगातार श्रृंक आता है, यानी जो गिरावट आती है इतनी तेज़ी से होती है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट नहीं है तो आपको ये भी पता नहीं चल पाता है कि वर्तमान में या करंट में भी उस काल की या उस पुट की कीमत क्या चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इनका पास क्या है, एक तो टाइम डिके होता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ जो विक्स मैंने पिछले ग्राफ में समझाया था, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो इनके फेवर में होता है। क्योंकि दोस्तों ये क्या करते हैं, जब इनको कुछ पता रहता है कि इवेंट आने वाला है या कुछ खबर आने वाली है तो ये महंगे दर पे बेचते रहते हैं। तो ये जो बेचने वाले हैं ये इस तरह बेचते हैं कि ये कॉल प्लस पुट दोनों हेज करके बेचते हैं, यानी कि दोनों को बराबर लेवल में बेचते हैं और एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, अब रेंज कैसे बनाते हैं दोस्तों, मान लीजिए इन्होंने अभी आपको बता रहा हूँ 31,200 कल क्या करें, सेल कर दिए, कल सेल कर दिए। अब ये नीचे क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ कि ये क्या करेंगे दोस्तों, 30,500 के, और साथ ही साथ दोस्तों 30,000
करेंगे, ये पुट भी सेल कर देंगे। ठीक है, अब इनको पता है दोस्तों कि कभी भी मार्केट 1,000 2,000 का डोज का ऊपर नीचे नहीं होता। साल में एक दो बार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन साल में दोस्तों 52 बार एक्सपायरी होगी, यानी कि 52 हफ्ते आएंगे। ये क्या करते हैं, ऊपर के कॉल बेच देते हैं और नीचे के पुट भी बेच देते हैं। अब इनको पता है दोस्तों मोमेंट आता भी है तो 200 से 300 पॉइंट का आ जाएगा। ठीक है, और अगर 52 हफ्तों में से मान लीजिए 2 हफ्ते इनके ख़राब भी चले गए, इनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो बाकी 50 हफ्ते तो ये कमाते ही हैं। क्योंकि आपने भी दोस्तों सुन रखा होगा या पढ़ते होंगे, आपने भी कभी रियल ट्रेड करा होगा तो आपको पता है कि कॉल बायर जो रहता है वो 70-80% और रिटेल में तो दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं मतलब आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको सेलर ही बनना है, बट मैं रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो वो क्या करते हैं, दोनों तरफ से बेचते हैं। अब यदि हम दोस्तों ऑप्शन बायर अगर होते हैं तो हम ऐसा नहीं करते ऊपर की कॉल भी बाय कर लेते हैं और नीचे का पुट भी बाय कर लेते हैं और फिर अपने दिमाग में सोचते हैं चलो जो कुछ भी होगा दोनों तरफ अपना ही फायदा होगा। सेलर दोस्तों दोनों तरफ कमाता है। अगर मान लीजिए उसने सेल कर दिए है पुट को, ठीक है, बाजार ऊपर जाता है तो वो क्या करेगा, उसकी कॉल को काट लेगा और पुट से प्रॉफिट ले लेगा। यदि बाजार गिरता है तो वो उसकी कॉल से प्रॉफिट ले लेगा और पुट से अपना स्टॉप लॉस कटवा लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों वो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी है। अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा वहाँ पर चार्ट में देखते हैं। देखिए, ये मैंने दोस्तों आपके सामने चार्ट लगा रखा है। ठीक है, ये रखा है अभी क्योंकि छोटा सा चार्ट, इसलिए ये साप्ताहिक जो है वर्तमान में जो अभी चल रहा है दोस्तों उसका ये चार्ट आपके सामने है। ठीक है, तो हमें दोस्तों अब क्या देखना है, जो पॉइंट हमें कवर करना है वो क्या करना है, तीन चीज़ें हम आपके सामने अब लगाने वाला हूँ मैं, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें इफेक्ट आपको समझ में आए। अब यहाँ मैंने लगा दिया दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, अब यहाँ इस डेली चार्ट को हम ले आए हैं 5 मिनट वाली कैंडल पर, या आपको ऐसा लगता है तो हम जाएंगे दोस्तों 15 मिनट की कैंडल पे। ठीक है, और एक दिन जहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए ये 10 तारीख थी, ये यहाँ से आज बाजार चालू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, इनके साथ भी ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 31,200 की कॉल जुड़ी हुई है, अब यहाँ पर क्या करते हैं 31,200 का भी हम जोड़ लेते हैं। तो आपको सारी चीज़ें दोस्तों एकदम क्रिस्टल क्लियर और लाइव समझ में आ जाए। ये चार्ट डेली के हैं तो इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों 15 मिनट में। ये लिया है हम इन चार्ट्स को 15 मिनट में। ठीक है, अब इनको भी आज का ये देखो, यहाँ से देखिए 9:30 ठीक है दोस्तों, ये पहली कैंडल ये भी आज की है, ये पहली कैंडल यहाँ पर थोड़ा सा इसको उधर कर दूँगा ज़्यादा हो जाएगा, ये पहली कैंडल आज की है और यहाँ पर भी दोस्तों ये पहली कैंडल आज की है। नीचे जो है दोस्तों ये पुट है, ऊपर जो है कॉल है और ये हमारा स्पॉट है, यानी कि बैंक निफ्टी का स्पॉट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 31,313, ठीक है, हाई लगाया 31,313 और वहाँ से गिरा दोस्तों। ठीक है, तो लो लगाया 31,228, ठीक है, और क्लोज हुआ 31,307 पे, यानी कि बाजार खुलते ही शुरू के 15 मिनट में यहाँ से गिरते गिरते यहाँ आ गया। ठीक है, और वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दी शुरू की 15 मिनट की एक कैंडल की बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपने अगर इस गिरावट को देखा है, ठीक है, या आपने कैंडल स्टिक थोड़ा सा पढ़ लिया, या आपने जो भी मान लीजिए आपने ये यहाँ ऐसी ट्रेंड लाइन बना दी होगी, मैं दोस्तों एकदम प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ ताकि आप कल से इसको प्रैक्टिकल यूज़ भी करें। यूज़ करने से मतलब आप खुद भी अपना एनालिसिस करें इस तरह के चार्ट पे, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार उस चैनल पे हम गए थे और फेक चीज़ें हमें बताई गई। अब आपने ट्रेंड लाइन दोस्तों ऐसी बना ली और आपको पता चल गया ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आया, तो आप फटाक से क्या करते हैं दोस्तों, पुट खरीद लेते हैं अगर आप बायर है तो, और अगर सेलर है वो उसने भी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस तो पढ़ रखा होगा, तो वो क्या करता है दोस्तों इस पोजिशन में कॉल ऊपर की बेच देता है। ठीक है, तो हम दोनों को इवेल्युएट कर रहे हैं कि किसमें ज़्यादा रिटर्न मिला होगा खरीदने वाले को बेचने वाले को। हमने दोस्तों यहाँ पर देख ही लिया है इस पहले वाले जो कैंडल, इसके पहले जो मैंने बताई थी कि किसमें कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो मुझे पता नहीं मिलेगी या नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि किसमें कितना पैसा लग रहा है। जैसे एक में दोस्तों जो सेल कर रहा था, मैं एक बार सेल में 1 लाख पर लॉट लग रहा था, ठीक है, जो बाई कर रहा था उसको लग रहा था 10,000 रुपये पर लोड, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही उस व्यक्ति को टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रखा था बायर और सेलर दोनों ने, अब जिनको नहीं पता था या उनको ऑप्शन एनालिसिस करना नहीं आता था या उनको ये पता नहीं था कि क्या करना है, अब वो ऐसे जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं, जो साधारण ट्रेडर रहते हैं, जो कम नॉलेज के साथ बाजार में उतर जाते हैं, उनके साथ परेशानी ये होती है दोस्तों कि वो करंट एनालिसिस नहीं कर पाते, वो लोगों की सुनी सुनाए बात पे ध्यान देते हैं और कुछ
खुद का निजी एनालिसिस करते हैं, फीलिंग लगाते हैं, जबकि मार्केट दोस्तों कोई फीलिंग वाली जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ जो चार्ट पे दिखता है वही सही है। तो यहाँ पर गिरावट वाला आदमी, ठीक है, अगर वो बायर है तो पुट बाई कर लेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जो पुट जिसने सेल कर रखा होगा या तो उसका स्टॉप लॉस हो जाता होगा, ठीक है, वही होता होगा, या फिर वो क्या करता है दोस्तों, उसने ऊपर के कॉल ज़्यादा भेज दिए होंगे इस कैंडल के फॉर्मेशन के समय। जैसे मान लीजिए ये कैंडल कल क्लोज हुई थी, यहाँ पे इसके नीचे ही ओपन हुआ आज, तो वहाँ से गिरावट आई। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये है ऊपर कॉल। अब दोस्तों देखिए, कॉल जो ओपन हुई थी ये हुई थी 547 रुपये पर। ठीक है, कलर कुछ ऐसा है, पर उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। 547 पर दोस्तों खुली, 559 का इसने हाई लगाया, 547 का ही हाई लगाया, और जो लो लगाया 508 रुपये का। यानी कि एक व्यक्ति जिसने 548 रुपये पे या 540 रुपये पे भी इस कॉल को बेच दिया होगा, उसको 15 मिनट के अंदर ही अंदर, ठीक है, उसको 30 रुपये एक लॉट पे मिल गए। अब दोस्तों उसने 30 रुपये कमाने के लिए 1,00,000 रुपये लगा दिया था। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए कि एक लॉट यानी कि उसको मिले मोटा मोटी 30.600 रुपये। ठीक, 600 रुपये कमाने के लिए उसने 1,00,000 रुपये लगाया, यानी कि उसने आधा परसेंट प्रॉफिट कमाया। अब हम चलते हैं दोस्तों पुट में, यानी कि जो बायर साइड, यहाँ तो हमने उसका देख लिया जो सेलर बना था, ठीक है, तो उसने आधा परसेंट कमा लिया और मार्केट से एग्जिट हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये दोस्तों पुट है। अब ये पुट दोस्तों ओपन हुआ था 130 पे, इसने हाई लगाया 166 का। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप चीज़ें समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस दोनों जगह बराबर ही है, लगभग लगभग, क्योंकि ऊपर भी आपको 30 से 35 पॉइंट 32 पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे भी आपको 30 से 35 पॉइंट या 32 पॉइंट ही मिल रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों बायर के पक्ष में चले जाता है, यदि वो जीत जाता है तो, कि उसको क्या हुआ 10,000 रुपये पे ही, ठीक है, उसको 3 पॉइंट देखेंगे तो मोटा मोटी 600-700 रुपये मिल गए 10 पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ दोस्तों, उसने क्या 10,000 रुपये उसकी कैपिटल लगाई और उसने 3,000 रुपये, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, उसने 600 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो उसको तो यहाँ दोस्तों 6% रिटर्न मिल गया, लेकिन जो सेलर था यहाँ पर, ठीक है, अब उसको आधा परसेंट नहीं मिला। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार, यहाँ पर सेलर नहीं बायर ही बनना था, हमको 6 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट मिलता सेलर के मुकाबले। लेकिन दोस्तों होता क्या है, उसने जब भी सेल करा होगा इस कॉल को, उसने नीचे मान लीजिए 30,500, 600, 700 के पुट भी सेल कर रखे होंगे। ठीक है, तो उसमें भी उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब जो बायर है उसके पास तो एक ही उम्मीद रहती है कि यार सही डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज उसको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे, मैंने आपको डिटेल में समझा दी, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि बायर को ज़्यादा फायदा होता है, सेलर को ज़्यादा फायदा होता है, या आपको क्या बनना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैंने हिंदी में बता दी है और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया दोस्तों, कोई ऐसा नहीं कोई टेक्स्ट बुक में से कहीं कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें लाइव एग्जाम्पल के साथ बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों अगला वीडियो मैं वापस ऑप्शन पे ही बनाने वाला हूँ, जिसमें कुछ और जानकारी दूंगा जो कि आपका नॉलेज बढ़ाएगी और आपको एक्सपीरियंस फील कराएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।